बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो रुकने पार्लियामान औरंगाबाद मोहतरम जनाब इम्तियाज जहीर साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, मोहतरम जनाब अब्दुल नाजिम साहब जो सीनियर सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, अमरावती के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब सलाहुद्दीन खान साहब, अराकीन बल्दिया अब्दुल खालिद साहब, अफजल हुसैन साहब, समीर शाह साहब, मेरे तमाम मौजिज मजलिसी रुतबा, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे रयूर नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में आपने शिरकत की। और मैं इस बात को मानता हूं कि ये जगह हमारे लिए नाकाफी है, मगर ये इसलिए इंतजाम किया गया क्योंकि बारिश का खदशा था, इसीलिए एक पूरा कवर्ड इंतजाम यहां पर किया गया है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने पिछले बल्दिया के इलेक्शन में यहां से आपने मजलिस के 10 अराकीन बल्दिया को अपनी दुआओं से और अपने वोट देकर उनको कामयाब किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जब बल्दिया के इंतखाबी मुहिम में आया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सैयद मोइन ने मुझे नागपुर से गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को बड़ी तेज रफ्तारी से चलाकर यहां पर इंतखाबी जलसे में शिरकत कर सका, सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं दोबारा आऊंगा और आप तमाम से तफसीली गुफ्तगू होगी। ये अल्लाह सुभाना व तआला का बड़ा फजल व करम है कि मुझे यहां पर दोबारा आने का मौका मिला, आपके दरमियान में खड़े होकर मेरी जमात की बात आपके सामने करने का मुझे मौका अल्लाह ने इनायत फरमाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आपने एक वलवला अंगेज तकरीर को समाप्त फरमाया मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब की, और अमूमन इम्तियाज जलील साहब बड़ी नरमी से गुफ्तगू करते हैं। आज लगता है कि दोपहर का खाना हमने नाजिम साहब के घर में खाया, शायद वो खाने में ज्यादा था या था नहीं मालूम, जो इम्तियाज साहब की जबान आज माशाल्लाह पूरे एक मुजल्लिल तकरीर उन्होंने की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले इस बात का आपको जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि कल हमारा जलसा हुआ था मलकापुर में, और सुबह में जब हम अमरावती के लिए गाड़ी में निकल रहे थे तो इम्तियाज साहब ने मुझे बताया कि मीडिया ये चला रहा है कि मलकापुर के जलसे में किसी ने नारे लगा दिए किसी बादशाह के ताईद में। तो इम्तियाज साहब ने फौरन उससे पूछा कि बता कौन सी बात है, तो वो नारा था इम्तियाज साहब की मोहब्बत का नारा था। क्या नारा था वो? नहीं देता ढील इम्तियाज जलील, शाहगंज का टावर इम्तियाज का पावर। ये बात इम्तियाज जलील साहब ने कही तो ये बेचारा मीडिया के 3 चैनल ये चला दिए कि किसी एक बादशाह के जिंदाबाद के नारे मलकापुर के गयूर नौजवानों ने लगाए। मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि ये झूठा इल्जाम है, ये तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं मलकापुर के गयूर नौजवानों की मजलिस से बेलोस वाबस्तगी और मोहब्बत को। और तीसरा, मुझे लगता है कि मीडिया के लोग, वो 3 चैनल के लोग पूरे नहीं, अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं।
उनको कम से कम इस बात का नोटिस लेना चाहिए था कि क्या नारे लगाए जा रहे हैं। अगर आपको इम्तियाज जलील की ताईद में अगर कोई नारे लगाता है, अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर आपको बोलना चाहिए था कि हमको इम्तियाज जलील का जो नारा लग रहा है, हमको पेट में दर्द हो रहा है, पेंचिश हो रही है, रात में नींद नहीं आई हमको। मगर एक बात साबित हो गई, एक बात साबित हो गई कि इम्तियाज जलील की ताईद में जो नारे लगे वो इम्तियाज जलील की इनफरादियत के लिए नहीं थे। वो मलकापुर के गयूर नौजवानों ने, बुजुर्गों ने इस बात को महसूस कर लिया कि बरसों के बाद आज महाराष्ट्र में मुसलमान, दलित और आदिवासियों का एक लीडर आया है, उसका नाम इम्तियाज जलील है। इसीलिए उनको बड़ी तकलीफ हो गई कि ये कौन आया है जो बरसों से जिस कौम को हमने दबा कर रखा था, जिसको हमने कुचल कर रखा था, आज औरंगाबाद के गरीब मजलूम मुसलमान, दलित और हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों ने एक ऐसे आदमी को अपना एमपी बना के खड़ा कर दिया जो गरीबों की इनकी बात करता है, जो लाइन में आखिरी है उनको सामने लाने की बात करता है। तो इनको बड़ी जलन हुई और उन्होंने टीवी चैनल पर ये चला दिया। मैं उन टीवी चैनल के जिम्मेदारों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इतनी जलन है इम्तियाज जलील से, तो इम्तियाज जलील पे गुस्सा निकालो। अब एक जो बादशाह इस दुनिया में नहीं है, आप उसके नारे लगा रहे हैं, ये नारे लगाए तो ऐसा मत करिए। मुझे लगता है कि मीडिया जो भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों से नफरत पैदा करने का रोल अदा कर रहा है, चंद मीडिया पूरा ने, मैं उन मीडिया के हजरात को बताना चाहूंगा कि एक रुवांडा रेडियो होता था जिसने रुवांडा में इसी तरह से उनका प्रोग्राम चलता था, रुवांडा के एक मखसूस तबके के लोगों को बदनाम करने के लिए कि ये वैसे हैं, ये गंदे हैं, ये एंटी नेशनल है। हुआ क्या, उनके इस मुसलसल झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर रुवांडा में कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ। तो क्या हम ये मीडिया वालों से पूछेंगे कि क्या आप भी चाहते हैं कि रुवांडा की तारीख भारत में दोहराई जाए? क्या आप यही चाहते हैं कि मुसलमानों को इतना बदनाम कर दो और बता दो पूरे देश में कि ये देश से मोहब्बत नहीं करते, ताकि उनका जेनोसाइड किया जाए, ताकि उनका प्रोग्राम किया जाए? ऐ मीडिया के जिम्मेदारों, याद रखो, अगर खुदा ना खास्ता तुम मुल्क को उस रास्ते पर लेकर जाओगे तो नुकसान मुल्क का होगा। हम तो मरने को तैयार है, हम जब इस दुनिया में मुसलमान आता है तो वो अपनी रिस्क और अपनी मौत अल्लाह की तरफ से लिखा कर आता। आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते, आप मुझसे मेरा रिस्क नहीं छीन सकते, आप मुझसे मेरी इज्जत छीन नहीं सकते, आप मेरे मौत के वक्त को टाल नहीं सकते। ये तो रब्बे करीम सब फैसले कर चुका है, आलम अरवाह में हमारी रूहें रख दी गई है और हम अपनी माँ के पेट में 9-10 महीने रहकर जब पैदा होते हैं तो हम अपना सब कुछ लिखा कर आते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि रुवांडा की तरह रेडियो रुवांडा का प्रोदा करना चाहेंगे, तो फिर याद रखो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मीडिया के लोग जरा एहतियात बरतेंगे। अकोला में हमारी गाड़ी रुकी, माशाल्लाह वहां के जिम्मेदारों को सलाम, सौओं की तादाद में नौजवान बुजुर्ग जमा हो गए, हम सबसे मिलिए। अब मीडिया से नहीं बात करें तो इनको बड़ी तकलीफ हो गई और इम्तियाज साहब ने बताया कि मीडिया ने चला दिया कि वो इसी भाग गया। अबे तू क्या मेरा ससुरा है जो देख के भाग जाएगा? भाग गए? अरे हम नहीं भागते बाबू, मैदान छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हम। या तो हम सीने पे गोली खा के गिर जाएंगे मगर पीठ नहीं दिखाएंगे। अब आप बोले भाग गए भाग गए। अरे मेरे मीडिया, वो तीन मीडिया के चैनलों के जिम्मेदारों से कह रहा हूं,
कि तुम्हारा सबसे बड़ा एंकर कौन है, बुला लो उसको अमरावती के मैदान में बैठेंगे। अगर तीनों के तीन 10 मिनट में नहीं भाग गए तो फिर मेरा नाम असदुद्दीन अवैसी नहीं। भाग गए। अरे तुम्हारे पप्पा से नहीं डर के नहीं भागते, तुमसे भागेंगे। भाग गए। अरे कहां भागते रे, एक बार आ गए तो जाने वाले नहीं है। जो भागने वाले थे भाग गए 75 साल पहले डर के, जो मरद थे ठहर गए, सुबह कयामत तक ठहरेंगे। ये जरा कर्जा बाकी था उसको अदा कर दिया, दोपहर से बेचैनी हो रही थी, निकला अमरावती में अपनी बात को रखेंगे। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं औरंगजेब की औलाद। हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहे हैं कि भारत के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे तिलक साहब, क्या तिलक साहब ने नहीं कहा कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो आर्टिक से आए थे। अब फडणवीस साहब आप भी ब्राह्मण हैं, अब आप बोलो उनकी बात सच है या आपकी बात सच है। तीसरी बात यह है कि फडणवीस साहब बोलते हैं कि औरंगजेब की औलाद, निशाना किस पर है हमको मालूम, मगर भारत कैसे बना मैं आपको बताता हूं। अभी ये भारत में जो लोग जमा हुए ना, पूरे 130 करोड़ की आबादी है भारत में, 33 करोड़ हो गए। हम तमाम लोग भारत के बाहर से आए हुए कौन लोग हैं, हम 4 माइग्रेशन भारत में हुए, 4 लोग हजारों साल पहले भारत में आए। पहले ये कि 65,000 साल पहले फडणवीस साहब अफ्रीका से लोग भारत को आए थे, 65,000 साल पहले अफ्रीका से भारत को लोग आए। दूसरा जो माइग्रेशन हुआ ईरान से आए, तीसरा जो हुआ ईस्ट एशिया से आए, यानी 2000 BCE में, उसके बाद सेंट्रल एशिया में आए 2000 BCE में, और उसके बाद कई लोग आए, हुन्स आए, साकाज आए, ग्रीक, पर्शियन, अरब, मुगल, ब्रिटिश, पोर्चुगीज, उसके बाद आके यहां बस गए। अभी ने बोले हम ही हैं तुम नहीं है। असल ओरिजिनल अगर कोई भारत का है तो वो आदिवासी लोग हैं, वो पूरे आदिवासी हैं, ये पूरे आर्यन हैं यहां के लोग, वहां से आए यहां से। अरे आदिवासी द्रविडियन भारत के असल लोग हैं। अब देवेंद्र फडणवीस बोलो आप कहां से आए, औरंगजेब तो बात का है, मैं तो बोल रहा हूं कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे। देवेंद्र फडणवीस साहब एक बात याद रखो, ज्यादा ज्ञान हमको मत दो, हमको भी थोड़ा है दिमाग में। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जो मुंह आए मुंह को आए बोलते रहेंगे, हमारे मुंह में हमारी जबान है तो हम अपनी बात को रखेंगे। तो पहले यह बताना था, और सबसे अहम बात यह है कि हमारा ईमान, हमारा मानना यह है, हमारे बुजुर्ग किताबों में भी लिखे कि जब अल्लाह सुबहाना व तआला हजरत आदम अलैह सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा तो हजरत आदम अलैह सलाम कहां पे आए, दुनिया में कहां पे आए, भारत में आए। और हमारी अम्मा हवा जिद्दा में, अब्बा भारत में आए, तो अब्बा का मुल्क हुआ नहीं हुआ मेरा, हम अब्बा के मुल्क में है, हम अब्बा के मुल्क में। आप बोल रहे उनकी औलाद, हम अब्बा आदम की औलाद है, हमारा मानना है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब आप ये बार बार मत बोलो, फिर बोलते नहीं 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 मुसलमान को नहीं बोला मैं, मेरे को मालूम आप किसको बोले, आप शैतानों को बोले क्या, आप राक्षसों को बोले क्या, आप क्या गोडसे की औलाद को बोले क्या। और फिर
हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछना चाह रहे, जिसका जिक्र इम्तियाज साहब ने भी अपनी तकरीर में किया कि आप होम मिनिस्टर हैं, जरा ये तो बताइए कि लुकमान सुलेमान अंसारी 10 मई को ये रहने वाला था न्यू बस्ती मकबूल मस्जिद बड़गा तालुका भिवंडी और घोटी इगतपुरी में, इसको पीट पीट कर इसका कत्ल कर दिया गया। अब 10 जून को वाकया हुआ, 25 जून को अफ़ान अब्दुल माजिद अंसारी को पीट पीट कर गाड़ी रोक कर मार दिया गया, जान ले ली गई। किसका एड्रेस है फडणवीस साहब, शायद आपको नहीं मालूम, आपको खाली मुगल हिस्ट्री मालूम। उसका एड्रेस है रूम नंबर 5 फातिमा बी चौल बरेली होटल खुरेश नगर कुर्ला ईस्ट मुंबई 400070 महाराष्ट्र। हमारे पुलिस वाले लिख के भिजा दो डिप्टी सीएम को जो लाइन ऑर्डर देखते हैं। इनका भी इनको मारा गया कहां पे, जहां पे लुकमान सुलेमान अंसारी को मारा गया था घोटी इगतपुरा में। यानी 10 दिन में 2 लुकमान सुलेमान अंसारी को और अफ़ान अब्दुल माजिद अंसारी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उनके गाड़ी से गोश्त निकला, रोक कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई। अरे देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, कौन सी हुकूमत तुम चला रहे हो? 2 लोगों की जानें चली गई हैं। अगर कोई फोटो लेकर निकलता तो देवेंद्र फडणवीस बोलते फुलां की औलाद। देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, ये महाराष्ट्र में तुम हुकूमत कर रहे या क्या कर रहे तुम लोग? 10 दिन के अंदर 2 लोगों को गाड़ी से उतार कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई और तुम्हारी सरकार बेहोश सो रही है। फोटो उठाए तो तुम हरकत में आते हैं। अरे फोटो की अहमियत है या इंसान की जान की कीमत है बताओ? मरने वाला अगर अंसारी है तो उसकी कीमत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी बोलते पसमांदा मुसलमान, अरे ये दोनों अंसारी हैं, मरने वाला इंसान है मगर उसका नाम अंसारी है, तो ना शिंदे की जबान खुलती, ना फडणवीस की जबान खुलती, ना शरद पवार की जबान खुलती, किसी की जबान नहीं खुलती। खुलती कब है? जब चुनाव आ जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कंडेम करते हैं ये 2 बच्चों का जो कत्ल हुआ है, लुकमान सुलेमान अंसारी का और अफ़ान अब्दुल माजिद अंसारी का घोटी इगतपुरा में। और नासिक की पुलिस तो माशाल्लाह, वाह वाह। मैं तो एसपी साहब आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एसपी हैं और ये कत्ल हो रहा है, और शायद आपको बीजेपी की सरकार इनाम दे देगी कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अरे क्या हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में, गरीबों को गाड़ी से उतार कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली जा रही है। मैं मुतालबा डिमांड करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर पूरों को गिरफ्तार करना, आप जेल को भिजाना उन तमाम जालिमों को जिन्होंने हमारे सुलेमान अंसारी को और अब्दुल अफ़ान माजिद अंसारी का कत्ल किया। ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। इन्होंने हमारे मासूम इंसानों की जान ली है। हम मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, कुछ तो बोलो। अच्छा कुछ तो ये सेकुलर पार्टी के लोग बोलो, राष्ट्रवादी के लोग बोलो, कांग्रेस के लोग बोलो, ये आपके शिवसेना के लोग बोलो, मुंह में क्या दही जम गई? नहीं बोलेंगे? कब बोलेंगे? ये ओवैसी इम्तियाज भड़काऊ भाषण देते,
चुनाव आएगा तो बोलेंगे बीजेपी को हराना है हमको, और तो अब तो बोलो इन बच्चों के बारे में, हम जब बोल सकते तुम क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोलते कि तुम्हारी मौत इनको पसंद है, मगर तुम्हारे ओट से मोहब्बत है, तुम्हारी जिंदगियों से मोहब्बत नहीं, सिर्फ तुम्हारे ओट से मोहब्बत है। मजलिस को तुम्हारे ओट से नहीं, मजलिस को तुम्हारे हक से मोहब्बत है, मजलिस को तुम्हारे इंसाफ से मोहब्बत है, हम यही चाहते हैं। अच्छा अब आप सुन लो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, यहां से आपने एक मोहतरमा को कामयाब कर दिया, आपने सब वोट दिया ना उनको, दिए नहीं दिए? कितने वोट दिए हाथ उठाओ। आपने मैडम को वोट दिया, क्यों दिया आपने वोट? आपने वोट इसलिए दिया, सुनिए मैं जानता हूं पूरा, आपने वोट इसलिए दिया क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग बोले मियां बीजेपी को हराना है, वोट दे दो उसको। मस्जिद से ऐलान हो गया, हम सब ने कहा क्या करेंगे रे भाई, उनको वोट दे दिए, उन्होंने जीत गए मैडम। और मैडम जैसा दिल्ली को पहुंचे, दिल्ली को पहुंचते कि उन्होंने बता दिया अपना असली रंग, माने अपना असली चेहरा, क्या बता, क्या बोले मैडम? मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, जैसा बोलते हैं वैसा नहीं है। हाँ, आप पहले बोल देना था। मगर मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, जो लोग मजलिस के इलेक्शन लड़ने पर परेशान होते हैं, मैं उनसे आज सवाल कर रहा हूं, बड़ी इज्जत के साथ सवाल कर रहा हूं, क्या आपने गलत फैसला नहीं लिया? आपने क्यों कहा गरीब और मजलूमों को कोई और को? यही तो मैं कह रहा हूं, सियासत सियासत से करो, अगर हम सियासत नहीं करेंगे तो कोई और हमसे सियासत करेगा। अब आपसे सियासत हो गई 2019 में, इसीलिए मजलिस बोल रही कि सियासत हमको करने दो। अगर जो लोग हमारे बड़े हैं अगर वो सियासत करना चाह रहे, आप आओ सियासत में, इलेक्शन लड़ो, मैं आपके बाजू पीछे खड़े होता हूं, आप करो सियासत। मगर सियासत इसको नहीं बोलते कि इलेक्शन से पहले मस्जिद में ऐलान कर दिए कि इसको वोट दो, अब इसको वोट दिया उसके बाद वो बीजेपी का साथ दे रहे, तो फिर अब कौन जिम्मेदार? अब तो ओवैसी को जिम्मेदार नहीं खड़ा कर सकते आप। मैं तो बाला साहब के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, मगर आप बताइए, आपने वोट दे दिया मैडम को, मैडम बीजेपी को सपोर्ट करती है, अब आप बताइए क्या होने वाला है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, हमारे अमरावती के नौजवानों से अपील करूंगा, आप मेरे भाई की तरह हैं, आप लोग मेरे बेटों की तरह हैं, मैं आपके चचा की तरह हूं, आपका एक हमदर्द के नाते मैं अमरावती के उन नौजवानों से भीख मांग रहा हूं कि नौजवानों सुनो सुनो, मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए तुम ड्रग्स को छोड़ दो, एमडी ड्रग्स को छोड़ दो, सेसेस को छोड़ दो। नौजवानों याद रखो, नौजवानों तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुम मुस्तकबिल हो, तुम फ्यूचर हो। अगर किसी कौम का नौजवान बर्बाद हो जाता है तो तुम इस दीवार की तरह, ये तो दीवार है ना, तुम इस दीवार की तरह हो कि वहां के लोग रुक रहे अंदर आने से, क्योंकि दीवार है। नौजवानों तुम कौम की दीवार हो, अगर दीवार गिर जाएगी तो जमाना रास्ता बना लेगा, तो तुम दीवार हो। अगर इस दीवार में ड्रग्स होंगे तो दीवार ताकतवर कैसे होगी, बताओ नौजवानों? अगर तुमको एमडी ड्रग्स से सेसस से नशा चढ़ता है ना, तो मैं तुमको बताता हूं नशा चढ़ाने की दवा क्या है। तुम नशा चढ़ाना चाहते हो ना,
तो तुम सुबह में रात में उठो, फजर से आधा घंटा पहले उठो, वजू करो, अल्लाह की बारगाह में दो रकात नफिल नमाज पढ़ो और याद करो अल्लाह के एहसानात जो तुम पर अल्लाह ने किए हैं। याद करो कि अल्लाह ने तुम पर इनामात दिए। तुम अगर तकलीफ में हो तो अल्लाह से रज कर दो, रब्बे करीम ये तकलीफ है अमरावती में। अगर तुम्हारे घर में तकलीफ है तो अल्लाह को बोलो परवरदिगार तू जमीन और खालिक का मालिक है, तूने खून के लुथड़े से मुझे अपनी माँ के पेट से पैदा किया, रब्बे करीम ये मेरी तकलीफ है तू देख ले। तुम देखो मेरी इस बात को, तुम नमाजी बन जाओ तुमको नशा आएगा। तुम कुरान की तिलावत करो घर से निकलने से पहले एक आयात पढ़ के निकलो। तुम झूठ बोलना छोड़ो, तुम मेहनत करो, जुस्तजू करो, अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो, अपनी बहनों की शादी करवाओ, खुददार बनो, किसी के सामने सर मत झुकाओ सिवाय अल्लाह के। तुम देखोगे कि वो नशा जो चढ़ता है उसको ईमान का नशा बोलते हैं, वो जो नशा चढ़ता है उसको इश्क नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नशा चढ़ जाता है। जब ये नशा तुम पे चढ़ जाएगा दुनिया का कोई नशा तुम्हारे सामने करीब नहीं आ सकता। तो नौजवानों मेरी आपसे गुजारिश है, अगर मेरी बात से आपको तकलीफ हो रही है तो मैं तुमको तकलीफ देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुमको बर्बादी के रास्ते पर जाता हुआ नहीं देख सकता। तुम मेरे मुस्तकबिल हो, तुम मेरा फ्यूचर हो। कल जब तूफान आएगा बातिल ताकतों का तो तुम तो इन बातिल ताकतों के तूफान में तुम तो एक चिराग की तरह हो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों तुम एक चिराग की तरह हो। जहां पर अंसारी को मार दिया गया अगर तुम खड़े हो जाओगे तो कोई अंसारी को नहीं मार सकेगा, मगर तुम अगर अपने आप को मारोगे तो फिर हम तो मार खाते रहेंगे मेरे भाई। तो नौजवानों किस बात पर गौर करो। चौथी बात यह है कि अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो मैंने देखा कि मीडिया ने रिपोर्ट किया कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा ने एक बयान जारी किया और उन्होंने अमेरिका के साबिका सदर बराक ओबामा के उस बयान को तनकीद का निशाना बनाया कि बराक ओबामा ने इतने मुस्लिम ममालिक पर बमबारी की, बराक ओबामा के बयान को कंडम किया और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर 13 अवार्ड मिले तो उसमें से 6 अवार्ड जो उनको मिले वो मुस्लिम ममालिक से मिले, जैसा सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और शायद नामा याद नहीं आ रहे मेरे को। मैं हमारे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर साहबा को बताना चाह रहा हूं, मैडम अमरावती के और हिंदुस्तान के मुसलमान को सऊदी अरब के बादशाह से कोई कनेक्शन नहीं है, अमरावती के मुसलमान को यूएई के बादशाह से कोई रिश्ता नहीं है, इजिप्ट के सिसी से हमको कोई मतलब नहीं है। अब आप एंटी नेशनल बात कर रहे हैं, भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को ईरान के मुसलमानों से क्या करना, सऊदी अरब के मुसलमानों से उनके बादशाह से क्या करना, यूएई के बादशाह से क्या करना, इजिप्ट के सरबरा से क्या मतलब, ईरान के वो आयतुल्लाह जो भी है लीडर उनसे हमको क्या करना है। हम इंडियन मुस्लिम है, हम इंडियन मुस्लिम है, वहां पर बादशाहत है मैडम, यहां पर अंबेडकर का बना है वह संविधान है। आप भी जाके हमको सऊदी अरब में घुसर रहे, आप भी जाके हमको ईरान से जोड़ रहे, आप भी जाके हमको बोल रहे अरे वो उनको वो मुस्लिम कंट्री मोदी जी को इतना बड़ा प्राइज दिए, अरे हम क्या करेंगे। अब ये आरएसएस वाले क्या बोलते, ओवैसी तू वो मुल्क में चले जा,
अब कौन किसको बोलना? मैडम, भारत के मुसलमान जो है, हमने 1947 में ये फैसला ले लिया कि हम भारत में रहेंगे। ये हमारी सरजमीन है, जहां पर हमारे बुजुर्गों ने जहां बानी की है, जहां पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, जहां पर हमारे उलमाओं कराओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, फांसी पर चढ़ गए, काला पानी में सबसे पहले अगर सजा काटने वाले का नाम कोई है तो मुसलमान है। हमने भारत को पसंद किया, ये हमारी सरजमीन है। मैडम, हमारी वफादारी की निशानियां भारत के कब्रस्तानों में नजर आएंगी, उन ममालिक में नजर नहीं आएंगी आपको। मगर अब जब आपने ये बोली दिया, हम अपनी बात को पूरा करते हैं। बताओ फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने माइनॉरिटीज का बजट 40% क्यों कम किया? जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया? जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई, मौलाना आजाद फेलोशिप को बर्खास्त कर दिया। अब मुस्लिम बच्चे, अखिलियतों के बच्चे बच्चियां ना फेलोशिप कर सकेंगे ना पीएचडी कर सकेंगे। जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई, मैडम, मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में आपने 80 करोड़ रुपए कम कर दिए। जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपको ओबामा के बयान पर तकलीफ हो गई। मैडम ये तो बताओ, लुकमान अंसारी को मारा गया, कुछ तो बोलते? मैडम अफ़ान माजिद अंसारी को मारा गया, मैडम कुछ तो बोलते? अरे मैडम, आप तो महिला है, बिल्किस बानो का रेप करने वालों को आपने छोड़ दिया, कहां गई मुसलमानों से मोहब्बत? बताओ हमको कहां? नहीं, थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे दिलों को जोड़ने के लिए कह रहा हूं। बताओ आप, आज मुल्क की फाइनेंस मिनिस्टर कहती है और देश के प्रधानमंत्री आज इजिप्ट में, इजिप्ट की एक मस्जिद में गए, अच्छा दिखा मुझे भी। देश के प्रधानमंत्री, चलिए आप और मैं काशी की मस्जिद में जाते हैं, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। चलिए मोदी जी, हम भी काशी की मस्जिद को जाते हैं। अरे इजिप्ट की मस्जिद को जाएंगे तो चलो भारत की काशी की मस्जिद को चलो। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इजिप्ट के नहीं भारत के प्रधानमंत्री हैं। वहां मस्जिद में चले गए तो चलिए काशी की मस्जिद को चलते हैं। और मैडम, आपको मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है ना, बड़ी मोहब्बत है ना, तो ये CAA का कानून आपने मजहब की बुनियाद पर क्यों बनाया? बताइए आप, बीजेपी के लोग बोलते नहीं नहीं मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच नहीं है मोदी जी, देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, कि जहां जहां मुसलमान और दलित बसता है, अगर एक आबादी में दलित मुसलमान रहते हैं, वहां पर लाइट बराबर नहीं आती, ड्रेनेज का इंतजाम नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, और जहां पर अपर कास्ट लोगों की आबादी है, उस अपर कास्ट लोगों के आबादी में जो बच्चे पढ़ते हैं अपर कास्ट के, वो 10वीं जमात तक पढ़ते हैं, और जहां पर दलित और मुसलमानों की मिक्स आबादी है, वहां के बच्चे और बच्चियां सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ती है। ये डेटा है, अगर कोई बोलेगा ओवैसी ऐसे ही कह रहा है, तो आओ बैठ के हम लोग बात कर लेंगे। और हम मैडम और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आपको 6 मुस्लिम ममालिक से मोदी जी को बड़ा सिविलियन अवार्ड मिला है, तो फिर ये नुपुर शर्मा किस पार्टी की थी? किस पार्टी की थी जिसने हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की? ये आपकी मुसलमानों से मोहब्बत है। और याद रखो मेरी इस बात को, 1 महीने के अंदर
उस मोहतरमा का पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन मोदी जी करने वाले हैं। वो दोबारा मंजर आम पर आएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करती है। और फिर आप बोलते हैं कि 6 मुस्लिम ममालिक ने अवार्ड दिया। हम बहुत बोल सकते हैं, ओबामा ने क्या कहा? ओबामा ने कहा था कि भारत के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, मोदी जी ओबामा जब इंडिया आए थे आपको याद होगा, एक सूट पहने थे, याद है? अच्छे दिख रहे थे उन्हें, कोट पहन के स्ट्राइप सूट, अपने हाथों से चाय पिलाए। मैं तो पहली मर्तबा देखा मोदी जी को चाय कप में डालते हुए, चाय पिलाए और चाय पिला कर बोले मैं और ओबामा टू तक बात करते बोले थे ना, मैं बोले मैं ओबामा तो ऐसा टू तक माने अरे तुरे से बात करते ना, ये कह रहे चला चल। तो मोदी जी ओबामा ऐसी बात करते, मोदी जी उन्होंने ऐसा बोल दिया? मैं नहीं बोला, ओबामा बोले जिसके आप उनको चाय पिलाए। आपकी चाय का असर नहीं हुआ मोदी जी उनके ऊपर, शायद आपने शक्कर कम डाली थी या दूध ज्यादा डाल दिया था, मगर चाय असर नहीं करी। ओबामा ने यह कहा, अच्छा मोदी जी ने अमेरिका में यह कह दिया कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हम तो पूरी मिसालें दे रहे हैं आपको, आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, दो अंसारी बच्चों को इगतपुरा में गाड़ी से उतारकर गोश्त की बुनियाद पर पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है तो किसकी सरकार? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। आपने मुत्तहिद, आप मुत्तहिद हुए, आप में एक सियासी शऊर बेदार हुआ और आपने देख लिया कि आपका इत्तेहाद, आपका सियासी शऊर, बुजुर्गों की दुआएं, नौजवानों की तड़प और हमारी माँ और बहनों की आंसुओं से, आंख से निकलने वाले आंसुओं ने देख लिया, उसने रंग लाया। और जो महाराष्ट्र की सरजमीन पर गरीब तड़प रहा था एक लीडरशिप के लिए, उसको इम्तियाज जलील मिल गया, डॉक्टर गफ्फार कादरी मिल गया उसको। इनको अब पसंद नहीं आ रहा, इनकी आंखों में चुभ रहा है, ये कौन है जो आकर गरीबों की और मजलूमों की बात कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही हम आपसे बता रहे हैं कि आप मुत्तहिद रहिए। और फिर कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, पटना में अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई, पटना में अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें मुझे नहीं बुलाया गया, मगर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपका एजेंडा क्या है? हम भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा भारत के वजीर आजम ना बने, हम पूरी कोशिश करेंगे। अरे अमरावती की जनता ने मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने के लिए मैडम को वोट दिया था, उनसे धोखा हो गया। महाराष्ट्र के गरीबों ने मोदी को दूसरी मर्तबा वजीर आजम बनने से रोकने के लिए ओवैसी की बात का यकीन नहीं किया और कांग्रेस राष्ट्रवादी को वोट दिया, मगर फिर भी इनके शिवसेना के, बीजेपी के इतने एमपी जीत के चले गए। मेरे भाई याद रखो, हम आज मुल्क की आजादी के 75 साल मना रहे हैं। मैं बड़ी तकलीफ से तुम्हारे सामने एक सच्चाई को बयान कर रहा हूं, पार्टीशन की जिम्मेदारी मुझ पर, हम नहीं जिम्मेदार पार्टीशन के। फसादात हुए, लूट गए, पिट गए, मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हमको पसमांदा कर दिया गया। अरे हमारा एजेंडा क्या है बताओ? क्या हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे? क्या हम अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे? क्या हम अपने बच्चों के रोजगार के रिजर्वेशन का मुतालबा नहीं करेंगे? कब तक सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ोगे? अरे इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए लड़ना है तो मनुष्य का परचम था वो तुम। ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं, 75 साल हो गए, 75 साल वतन अजीज को आजाद होकर हो गए,
और हमारा एजेंडा क्या है? नहीं, जिंदा रहना है। अरे जिंदा तो रहेंगे मगर किस हाल में जिंदा रहेंगे? बेइज्जती से जिंदा रहेंगे या इज्जत के साथ जिंदा रहेंगे? और जब इज्जत के साथ जिंदा रहने की तुम बात अपने मन में ठान लो तो संविधान को पकड़ लो। भारत का संविधान जो अंबेडकर ने बनाया उसको पकड़ लो और सियासी ताकत बनो। तुमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन बीजेपी को आरएसएस को हराओ मगर तुम भी तो कामयाब हो। आखिर क्या बात है कि इलेक्शन जैसा आता नहीं, अब क्या करना? अरे ये सरकारी मुसलमानों का यकीन मत करो, ये तमाम के तमाम डरपोक लोग हैं जो रिफायाम क्लब में मुसलमानों के भारत से कहा था कि अब सियासी ताकत मत बनो। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको आज हम काम करेंगे तो आइंदा 70 साल के बाद ये जो तुम्हारे बच्चे मासूम बैठे इनके पोतरे तुमसे सवाल ना करें कि काश तुम सियासी ताकत बन जाते तो हमारा यह हाल नहीं होता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब इन बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं बीजेपी वाले। आपको एक बात बता, कितना टाइम है? 1 मिनट में 60 सेकंड में पूरी बात मुकम्मल करता हूं। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं ना, ये बीजेपी वाले बोलते हैं चार चार करते हैं, बोलते ना। अब भी गवर्नमेंट का डेटा ये है कि पॉलीगेमी 1.9 मुस्लिम में है और 1.3 हिंदू भाई बहनों में है। अब बताओ आप कौन कर रहा? अच्छा ये बोलते हैं इन बहुत शादियां करते। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा ये बताता है जो हिंदू भाई शादीशुदा हैं मगर शादी के बाहर वो किसी से ताल्लुकात पैदा करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप करते हैं, उनका परसेंटेज 2.2 है और मुसलमानों का 1.7, सिख और क्रिश्चियन का 1.9। क्या ये बात सच नहीं है कि भारत में 9 मिलियन यानी 90 लाख बच्चियां मिसिंग है फीमेल इन्फेंटिसाइड से 2000 से 2019 तक? अब इसका जिम्मेदार कौन है बताओ आप? बार बार ये बोलते कि मुसलमान बद किरदार है। अरे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये कहता है कि कितने परसेंटेज ऑफ मर्द हजरात शादी के माने इंटरकोर्स यानी हम बिस्तरी करते हैं जो उनकी बीवी नहीं है, उनकी बीवी नहीं है। तो सर्वे के 12 महीने पहले यह रिपोर्ट आई कि 7.8% बुद्धिस्ट मेन यस बोले, सिख लोग 6%, हमारे हिंदू भाई 4, क्रिश्चियन 3.8 और मुस्लिम 2.6। कौन सा रिफॉर्म सिविल कोर्ट की बात कर रहे हो आप? यानी रिफॉर्म सिविल कोर्ट के लाने का मतलब यह है कि मुसलमानों से उनका कल्चर छीन लो। वो यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट नहीं होगा, हिंदू कोर्ट होगा वो, इसीलिए हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और आपको मुझे प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 का है, याद रखो आर्टिकल 29 की बात करो यूसीसी बोलेगा बोलो आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन है। बहरहाल इस पे बहुत सी बात बोल सकता हूं क्योंकि वक्त हो चुका है। आप